पबजी पार्टनर सचिन के प्यार में पड़कर सीमा पार करने वाली पाकिस्तान की कराची निवासी सीमा हैदर को शनिवार को रिहा कर दिया गया है। जेल से बाहर आकर और सचिन के घर पहुंचकर सीमा हैदर में बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो हिंदू धर्म स्वीकार कर चुकी हैं। नेपाल में वो हिंदू बनी, इसके बाद सचिन के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की, गंगा स्नान करके वो सनातन मान्यताओं को मानने की बात भी कह रही हैं। सीमा कहती हैं कि अगर उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया गया तो उसे मार डाला जाएगा। उसके प्रेम के वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं। गदर फिल्म के गाने घर आजा परदेसी पर उसका रील इस समय खासा वायरल हो रहा है। जमानत पर रिहा होने के बाद सीमा ने हाथ जोड़कर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई। सीमा का कहना था कि उसे सचिन के साथ भारत में ही रहने दिया जाए, पाकिस्तान न भेजा जाए, नहीं तो वहां पर उसे मार दिया जाएगा। सीमा ने हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की खुले दिल से प्रशंसा भी की है। सीमा ने बताया कि पाकिस्तान में महिलाओं पर घर में बंदिश रहती है, वो सिनेमा घर में फिल्म नहीं देख सकती थी। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना भी वहां महिलाओं के लिए आसान नहीं है। सीमा ने बताया कि पाकिस्तान में अगर कोई मुस्लिम महिला हिंदू से शादी करती हो तो उसे स्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि उसे मार दिया जाता है। इसलिए उसने अपील की है कि उसे पाकिस्तान न भेजा जाए, अगर भेजा गया तो उसे मार दिया जाएगा। पुलिस हिरासत में और जेल में भी उसे कोई परेशानी नहीं हुई, उसके और उसके बच्चों के साथ सभी ने अच्छा व्यवहार किया। आरती पूजा नाम की सुरक्षा कर्मियों ने उसका और उसके बच्चों का पूरा ख्याल रखा। महिला बंदी अधिकतर एक दूसरे से जेल में मतलब ही नहीं रख रही थी, लेकिन अधिकांश बंदियों ने उसके साथ दोस्ताना व्यवहार किया और बच्चों को भी खूब प्यार दिया। सीमा का कहना था कि सचिन के घर में भी उस पर कोई पाबंदी या फिर बंदिश नहीं दिखाई दी। वो खुलकर मीडिया कर्मियों से और उससे मिलने वाली महिलाओं से बातचीत कर रही थी। वो अब सचिन से काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर चुकी है। अब हिंदू धर्म अपनाने के बाद वो समाज के बीच फिर से कोर्ट मैरिज करेगी। उसने सरकार से भारत की नागरिकता देने की भी मांग की है। साथ ही सीमा ने यह भी बताया कि उसे विश्वास नहीं था कि वो इतनी जल्द जेल से बाहर आ सकती है, लेकिन भरोसा था कि उसे जल्द ही न्याय मिलेगा। सचिन के प्यार में पड़कर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा हैदर के मामले में नया खुलासा हुआ है। पिछले दिनों सीमा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था और अब उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया है। रिहा होने के बाद सीमा ने कहा कि वो हिंदू धर्म स्वीकार कर चुकी हैं और नेपाल में वो हिंदू बनी हैं। इसके बाद सचिन के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी भी की है, गंगा स्नान करके वो सनातन मान्यताओं को मानने की बात भी कह रही हैं। सीमा कहती हैं कि अगर उसे पाकिस्तान वापस भेजा गया तो उसे मार डाला जाएगा। उसके प्रेम के वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं और साथ ही साथ गदर फिल्म के गाने घर आजा परदेसी पर उसका रील भी इस समय खासा वायरल हो रहा है, लोग चर्चा कर रहे हैं। जमानत पर रिहा होने के बाद सीमा ने हाथ जोड़कर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि उसे पाकिस्तान न भेजा जाए, नहीं तो वहां उसे मार दिया जाएगा। सीमा हैदर ने कहा कि हिंदू धर्म अपनाने के बाद पूजा पाठ भी शुरू कर दिया है। जमानत पर रिहाई के बाद उसकी खुशी झलक रही थी और उसकी खुशी देखने लायक थी। उसने सचिन के साथ ही आगे जीवन गुजारने का भी कसम खाई है और कहा है कि मैं ऐसे ही सचिन के साथ रहूंगी, और कहा है कि मैंने तो पूजा पाठ भी शुरू कर दिया है, अब गंगा स्नान करके सनातन मान्यताओं को पूरा करूंगी। साथ ही साथ मैं अब पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, वहां पर मेरी हत्या की जा सकती है, इसलिए सीएम योगी से उन्होंने गुहार लगाई। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।